प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा पॉरीफेरा फाइलम के बारे में जानते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा शब्द बनाए पोर एंड फेरा, यानी छिद्र, और फेरा का मतलब धारण करना। वे जंतु जिनका शरीर पोरस होता है, यानी कि छिद्रित होता है, उनको हम फाइलम पॉरीफेरा कहते हैं। पॉरीफेरा जो फाइलम होता है, इसकी एक विशेषता होती है कि ये फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड लार्वल स्टेज के होते हैं। इनके अंदर एक छिद्र पाया जाता है, जिससे कि पानी इनके बॉडी के अंदर आता है, उसको ऑस्टिया कहते हैं। ये ऑस्टिया बड़े सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और एक एकल छिद्र जिसकी सहायता से पानी बाहर जाता है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। इस प्रकार इन छिद्रित शरीर वाले जंतुओं को हम पॉरीफेरस कहते हैं। सॉलिड पार्टिकल खाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये एनिमल किंगडम से संबंधित है और एनिमल ही है, क्योंकि पहले इनको रंग बिरंगे और समुद्र में पाए जाने के कारण, पौधों की तरह आकृति होने के कारण, इनको पौधों के समकक्ष रखा जाता था। सबसे पहले क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने इन पॉरीफेरस के अंदर एक स्पेशल सेल की खोज की, उसको कॉइनोसाइट या कीप कोशिकाओं का नाम रखा। कॉइनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं पॉरीफेरा का लाक्षणिक लक्षण होती है। कॉइनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं फाइलम पॉरीफेरा के अलावा जंतु जगत के अंदर कहीं भी नहीं पाई जाती है, और इन्हीं कीप कोशिकाओं के द्वारा पॉरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम कंट्रोल होता है। एलिस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले पॉरीफेरस के अंदर जो बाहर से पानी इनके अंदर आता है, उस प्रवाह को बताया था, और रॉबर्ट ग्रांट नाम के साइंटिस्ट ने इनको सबसे पहले एनिमल्स कहा। यदि हम इनके सामान्य लक्षण देखें तो पॉरीफेरस के शरीर की आकृति पौधों की तरह शाखित होती है या फूलदान की तरह वेज-शेप्ड होती है। ये एकल भी मिलते हैं, ये बहुत सारे एक साथ कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, ये सिलेंड्रिकल भी मिलते हैं। इनके अंदर जो शरीर की सममिति होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी कोई एक निश्चित अक्ष नहीं होता जिससे कि इनके शरीर को हम बांट सकें। हाँ, कुछ जंतुओं के अंदर अरीय सममिति अर्थात एक से अधिक अक्ष के द्वारा उनको समान भागों में बांटा जा सकता है, पाई जाती है। इनके शरीर के अंदर दो जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए इनको द्विजन स्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये जो जंतु होते हैं, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कोशिकीय स्तर का या सब कोशिकीय भी कह सकते हैं। इनके शरीर के अंदर मस्तिष्क या हेड नहीं पाया जाता। बॉडी वॉल में बाहर की तरफ जो एक्टोडर्म होती है वो वयस्क के अंदर पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं बनाती है, और इस कोशिकाओं से बने हुए बाह्य स्तर को पिनेकोडर्म कहते हैं, जबकि आंतरिक जो एंडोडर्म होती है वो कोइनोसाइट्स से मिलकर बनी होती है, और ये कोइनोसाइट्स कोशिकाएं इनके अंदर कोइनोडर्म बनाती है। बाह्य और आंतरिक स्तर के बीच में एक लूज टिश्यू पाया जाता है, इस टिश्यू को मीजोग्लिया या मीजोहाइल भी कहा जाता है, और ये जो मीजोहाइल जो होता है वो मुख्यतः 95% जल और कॉलेजन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इनके अंदर स्पर्शकों का पूर्णतया अभाव होता है। इनके शरीर में जो गुहा पाई जाती है उसको हम स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील को पैरा गैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है, यानी कि परा जठर गुहा, अर्थात वह गुहा जिसका जठर के काम से, पाचन के काम से लेना देना नहीं होता, लेकिन प्रतीत होती है कि वो पाचन का कार्य कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा परा जठर गुहा, पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। पॉरीफेरा के वर्गीकरण का एक बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर होता है उसका कंकाल। इन जीवों के अंदर स्केल्टन जो होता है वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाओं का होता है,
या सिलिका की बनी हुई कंटिकाओं का पाया जाता है या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। कुछ के अंदर कंकाल का अभाव भी हो सकता है। इसी के आधार पर पॉरीफेरा फाइलम का वर्गीकरण किया जाता है। पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, किंतु जो पाचन का प्रकार होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है, अंतरा कोशीय, यानी कि फूड पार्टिकल, भोजन के कण कोशिका के अंदर जाकर डाइजेस्ट होते हैं, पूरे के पूरे जंतु को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन का टाइप होलोजोइक कहलाता है। श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है, जो कि गैस डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा एंटर होती है। कोई विशिष्ट श्वसनांग नहीं पाए जाते, ना ही इनके अंदर कोई विशिष्ट उत्सर्जनांग पाए जाते हैं। शरीर की सामान्य सतह के द्वारा उत्सर्जन होता है। ये सीधे ही अमोनिया को जल के अंदर विसर्जित कर देते हैं, इसलिए इनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। किसी भी प्रकार के परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है इनके अंदर, लेकिन कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि इनका लाक्षणिक लक्षण है। कैनाल तंत्र तीन प्रकार का होता है, जिसको एस्केनॉइड, साइकेनॉइड और ल्यूकोनॉइड टाइप का कहते हैं। तंत्रिकाएं कोशिकाएं छित्र भी पाई जाती है। किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। प्राय जंतुओं के अंदर बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, लेकिन इन जंतुओं की एक बड़ी विशेषता होती है कि स्त्रैण जननांग, मादा जननांग, नर जननांगों से पहले विकसित होते हैं। इसलिए इस विशिष्ट अवस्था को प्रोटोगाइनी कहा जाता है। गाइनी मीन्स फीमेल, प्रोटो मीन्स पहले, अर्थात फीमेल जननांग, मादा जननांग पहले विकसित हो। जंतुओं के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इसलिए इस संघ की विशेषता होती है, इसमें निषेचन आंतरिक होते हैं। इनका विकास में लार्वल अवस्था पाई जाती है, जो कि सॉलिड लार्वा पैरेन्काइमुला कहलाता है, जबकि कैविटी युक्त लार्वा एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। ये थोड़ा खोखला होता है। इन जंतुओं की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता, इसके अंदर कॉलर सेल या कोइनोसाइट कीप कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि आंतरिक इसका जो स्तर होता है उससे अस्तरित होती है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो बेसिकली पोरोसाइट छिद्रित कोशिकाएं, कोइनोसाइट कीप कोशिकाएं, अमीबोसाइट अमीबाप कोशिकाएं, इनको आर्कियोसाइट आद्य कोशिकाएं भी कहते हैं। ये अमीबोसाइट कई प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होती है, जो आद्य कोशिकाएं, पोष कोशिकाएं अर्थात ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट अर्थात भोजन कोशिकाएं। इसके अलावा इसमें जो कोशिका पाई जाती है वो इनको रंग प्रदान करती है, उसको अपन क्रोमोसाइट कहते हैं। जो कंकाल बनाती है उन बनाने वाली कोशिकाओं को स्क्लीरोब्लास्ट कहते हैं। स्क्लीरोब्लास्ट से बनने वाली जो सेल होती है वो स्क्लीरोसाइट कहलाती है। स्पॉन्जिन फाइबर बनाने वाली कोशिकाओं को स्पॉन्जियोब्लास्ट कहते हैं, और कॉलेनसाइट कोशिकाएं कॉलेनकाइमा बनाती है। इसके अलावा कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं होती है। यदि हम पॉरीफेरा का यूनिक फीचर देखें, जो विशिष्ट लक्षण, इसके अंदर जल प्रवाह के लिए कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और कैनाल सिस्टम कक्षों का निर्माण करती है, जिससे कि जल प्रवाह आसानी से होता है। शरीर पर ऑस्टिया और छिद्र ऑस्कुलम पाया जाता है। डाइजेस्टिव कैविटी नहीं पाई जाती है, और ब्लास्टुला के अंदर बड़ी विशेषता होती है, उसके अंदर एक प्रतिपन पाया जाता है। जो ये ब्लास्टुला का प्रतिपन होता है, जैसा कि अपने क्वेश्चन दिख रहा है कि ये भ्रूण है, फिर ये ब्लास्टुला आ जाता है, ये ब्लास्टुला में प्रतिपन की क्रिया दिख रही है, और प्रतिपन से फिर इसके अंदर जंतु का निर्माण होता है। अर्थात ब्लास्टुला का उलट जाना, बाहरी भाग अंदर आना और आंतरिक भाग बाहर चले जाना, इस को प्रतिपन कहते हैं। ये जंतु जगत के अंदर इसी में पाया जाता है। यदि हम पॉरीफेरा की एक विशेषता देखें, तो प्रोटोजोआ की तुलना में ये थोड़ा सा उच्च संघ होता है, क्योंकि आकार के अंदर बड़े होते हैं, जबकि प्रोटोजोअन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर अथवा एसेलुलर कहलाते हैं, जबकि पॉरीफेरन्स
मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर शरीर बनता है। एक और विशेषता कि आर्कियोसाइट जो सेल्स होती है इन विभाजन पाया जाता है। कई प्रकार की जो ये अम्यूबोसाइट्स होती है ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होकर भिन्न भिन्न कार्य करती है, इसलिए इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, श्रम विभाजन का पाया जाना। जबकि प्रोटोजोआ में कोशिकांग काम करते हैं न कि कोशिकाएं। एक और विशेषता जो इसको प्रोटोजोआ से अलग करती है, पॉरीफेरेंस के अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स पाए जाते हैं और इन गैमिट के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है, और गैमिट्स बनकर निषेचन की प्रक्रिया का होना जंतु जगत के लाक्षणिक लक्षण में से है। ये इनको जंतुओं के नज़दीक ले जाता है लक्षण कि युग्मक बनकर निषेचन की प्रक्रिया का पाया जाना। अगले व्याख्यान में हम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन, उनके कक्षाओं के लक्षण और उनके